गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लेट्स ग्रो अप विद कॉमर्स हब। आज हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ने वाले हैं। वीक का फर्स्ट डे है मंडे, और आज हम लोग इस चैप्टर जो आपका चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको फिनिश करने वाले हैं। बहुत हो गया चैप्टर, आज हम इस चैप्टर को फुल्ली फिनिश करने वाले हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो आप लोगों को आज इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेना है, और बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर वर्ड को, जैसे कि मैं आपको टॉपिक समझा के चलता हूं, एनालाइज करवा के चलता हूं, तो आप यहां पर अपने टॉपिक को प्रॉपर वे में एनालाइज करें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्लियर कर दूं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो देखो बच्चों, यहां कोऑर्डिनेशन का मतलब लोगों को एक साथ लेकर चलने से है। अब ये एक साथ लेकर चलने से मतलब क्या आएगा, उसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में अपने लेवल पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोएस्ट लेवल। तो बच्चों यहां पर आपको एक सामने पिक्चर शो हो रही है, उसमें दिखा रखा है कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, और मिडिल लेवल का फिर एरो जा रहा है लोएस्ट लेवल पर। तो इट मींस कि कोऑर्डिनेशन, जो चीज इन दोनों ने आपस में बात करी है, जो आपस में ये लोग मिलके चले हैं, और वही काम लोएस्ट लेवल को दिया जा रहा है, वो चीज उसको बताई जा रही है। इसका मतलब तीनों लेवल आपस पर मिलकर चल रहे हैं। यदि तीनों लेवल आपस में मिलके चलते हैं तभी बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है। आप समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? तो ध्यान रखिए इस चीज को। सेकंड, आपके मैनेजमेंट के जो फंक्शन है कौन कौन से, मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। जो आप लोगों के ये जितने भी फंक्शन हैं, हम लोग अपनी बुक में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है, राइट? ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, लेकिन ये उन फंक्शन से बहुत अलग है। ये उन सब फंक्शन से बहुत अलग इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना चल ही नहीं सकता। आप मान के चलिए, सोचिए बेटा, हर फंक्शन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कैसे? कोऑर्डिनेशन बोलता है, अगर आप चार पार्टनर हैं और चार पार्टनर मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। आप चारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, आप चारों की इकट्ठी ही बातचीत होगी, तभी हम चारों कोऑर्डिनेशन से काम कर सकते हैं। तो इट मींस कोऑर्डिनेशन एट प्लानिंग, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन के बिना कंप्लीट नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग किसी चीज को आप क्रिएट करना, बनाना, ऑर्गेनाइज करना, तो वहां पर भी आप अपनी टीम के बिना किसी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन की वहां भी जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ रहे हैं, मैनेजमेंट में एक ये फंक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रख रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक। अभी हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटा ध्यान रखना है इस नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को, कि इसमें कौन कौन सी हेड आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर दोबारा याद दिला दूं कि नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन ये पढ़ने जा रहे हैं, तो नेचर का मीनिंग आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप कोऑर्डिनेशन का मतलब जानते हैं, क्या आपने उस वर्ड को एनालाइज किया, क्या आपने उस वर्ड को समझा? क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को नहीं समझेंगे, तब तक आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन हेड के ऊपर काम नहीं करेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। एग्जाम टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वर्ड आप समझ रहे हैं
वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए, क्योंकि तभी आपका पेन ऑटोमेटिकली चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप उस चीज को नहीं समझते हैं, रटाफिकेशन लगाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। वो आपको एक दिन, 2 दिन या 5 दिन याद रहता है, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो समझिए कोऑर्डिनेशन का मतलब, जहां पर ये नेचर का मतलब बताया हुआ, तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ चलता हूं। यदि मैं आप लोगों को कहूं कि एक मूवी, अभी मूवी को मैं एनालाइज करने के लिए कह रहा हूँ, मूवी का जो नेचर है उसको मैं एनालाइज करने के लिए कह रहा हूँ, आपसे बताइए मूवी का नेचर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सो सिंपल, मूवी का नेचर होता है कि हमारा टाइम पास होता है, एंटरटेन करता है हमारे को, हमें हंसाता है, हमें कुछ और कुछ चीजें हमें सिखाता भी है, ठीक है ना, आप लोगों का टाइम पास होता है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो हम बोल सकते हैं कि आपकी मूवी जो आपकी स्टार्ट हुई और तभी की तभी अगले 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर फिनिश हो जाती है। इट मीन्स मूवी का नेचर आप लोगों ने जज कर लिया है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोगों को जज करना है, उसका नेचर जज करना है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर या कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है, तभी आप उसके बारे में प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। तो फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सेकंड इज आपका इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, थर्ड इज आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड फोर्थ इज आपका कंटिन्यूस इज ए प्रोग्रेसिव फंक्शन, एंड फिफ्थ आपका कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, एंड लास्ट आपका कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। तो आइए अब हम लोग इसको एक एक करके प्रॉपर वे में समझते हैं। आपने नेचर का मीनिंग समझ में आ चुका है। ओके, चलिए। तो बच्चों फर्स्ट इज आपका कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यहां आप लोगों को एक पिक्चर भी शो रखी है, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं और बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। देखिए पहली बात तो आपका हेडिंग क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट है जोड़ना, ग्रुप एफर्ट्स। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ठीक है ना। आपका स्टार्टिंग में हेड में लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रोथ एफर्ट्स, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। आपको साफ साफ बताया गया है कि ये सिंगल, जहां पर एक इंडिविजुअल जो काम हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जहां पर आप लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट एक है और सभी का जो टारगेट है वो काम को कंप्लीट करना है। तो उस कंडीशन में सब लोगों की पोजीशन तो अलग-अलग है, लेकिन सब जा रहे हैं उसी राह पर। समझते हैं बेटा, सपोज आपका स्कूल, अभी कोरोना का टाइम जो चल रहा है, COVID-19 अभी चल रहा है, उस टाइम के दौरान आप लोगों को स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस देना है। अभी कोई टीचर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई टीचर आपको हिंदी पढ़ा रहा है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एक्सेट्रा। वहां प्रिंसिपल और टीचर्स का मेन मोटो क्या है बताइए, मेन मोटो क्या है? आप लोगों तक नॉलेज का पहुंचना, आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट करना, आप लोगों को जो आपका ईयर, जो आपका सेशन चल रहा है वो खराब ना हो। अभी ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों तक हमारी बात का पहुंचना। तो उस कंडीशन में सभी टीचर की अलग अलग पोजीशन है। सभी टीचर, कोई 9, कोई 10, कोई 11, कोई 12, कोई फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा है, और सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका मेन मोटो क्या है? आप लोगों तक हमारी बात का पहुंचना, आप लोगों को नॉलेज देना। तो प्रिंसिपल सबको कोऑर्डिनेशन में लेके चल रही है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम सब लोगों का टारगेट सिर्फ एक ही है। तो इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यहां हम सब लोगों के ग्रुप एफर्ट से ही एक कोऑर्डिनेशन आपका दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेकेंड हेड है बेटा आपका इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की बात हो रही है। निश्चित करना किस चीज के लिए? आपके एफर्ट्स को। अभी क्या चीज शो हो रही है आपके सामने? एक पिक्चर है, यहां पर शो कर रहे हैं कि काफी लोग बैठे हुए हैं और सब साथ में मिलकर अपने काम कर रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स,
एक्चुअल में शो किया गया है कि जो आप लोगों का एम है, हर एक मैनेजर जितने भी हैं यहाँ पर, सबका मैनेजर के काम अपने डिफरेंट है, काम अलग हो रहे हैं, लेकिन सब काम उसी चीज पर कर रहे हैं। सोचो बेटा, यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, और प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, एक्सेट्रा। लेकिन हो क्या रहा है, सबके काम अपने अलग अलग हैं, लेकिन अपनी टीम को सब कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन आ रहा है सबके साथ। तो आप सबसे नीचे भी देख सकते हैं, चार्ट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और मिलके बन जाती है कंपनी। तब जाके बनती है कंपनी। इसका मतलब सभी को साथ में मिलके चलना पड़ता है, और तब जाके आपकी कंपनी क्रिएट, आपकी कंपनी ग्रोथ होती है आपकी। तो यहाँ नेचर बताया गया है कोऑर्डिनेशन का, कि यूनिटी ऑफ एफर्ट्स ये एक निश्चित करता है, यूनिटी का एकता को निश्चित करता है, तभी जाके आपके एफर्ट्स वहां पर शो होते हैं, किसी एक का नहीं है। गॉट इट? एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बच्चा, ये जो हेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस जो कभी ना रुकने वाला है। कोऑर्डिनेशन हम लोगों के घर में, एक ऑफिस में, एक कंपनी के अंदर, सब जगह आपको मिलेगा। आपस में मिलके लोग बात काम करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑल्दो इट्स अ डिग्री मे वेरी। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूअसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। तो आप समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ना रुकने वाला प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस रहता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे आपका, कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोग्रेसिव फंक्शन। अब ये प्रोग्रेसिव फंक्शन क्या चीज होती है, इसको जानिए। मैंने ये पीछे भी आपका आ चुका है, इस प्रोग्रेसिव फंक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज ए यूनिवर्सल फंक्शन, हर जगह आने जाने, हर जगह जाने वाला या मानने वाला फंक्शन है आपका, माना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपका ये ना माना जाता। कोऑर्डिनेशन इज ए यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हर एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन माना जाता है। जहां आपका बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्या आप समझते हैं, यदि जहां पर कोई बिजनेस नहीं है, जैसे कि आपका 12th क्लास में एक चैप्टर आपका आता है NPO, वहां पर मनी अर्न करने की बात नहीं की जाती है वहां पर, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में भी कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर अर्निंग के माध्यम से काम नहीं किया जाता, लोगों की सेवा के माध्यम से काम किया जाता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वहां पर उस बिजनेस में कहें या कोई और बिजनेस है, चाहे कुछ भी ऐसी संस्था है, हर जगह कोऑर्डिनेशन आपका एप्लीकेबल होता है। इसीलिए यहां वर्ड बोला गया यूनिवर्सल फंक्शन, हर जगह आपका अप्लाई होने वाला एक ऐसा फंक्शन है। तो ये नेचर ही चल रहे हैं आप लोगों के। एंड नेक्स्ट है आपका, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है सभी मैनेजर की, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, उनके अपने आप में टीम है, और हर टीम को कोऑर्डिनेशन से साथ में लेके चलना, वो उन सब मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। तो यहां पर आपको बोला भी गया है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ऐसा टास्क नहीं है जो सिर्फ एक ही टॉप लेवल मैनेजर का काम है, बट मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल आपका क्या लेके आता है, प्लान लेके आता है, पॉलिसीज लेके आता है, और टॉप लेवल अपनी जिम्मेदारियां किस पे डाल लेता है, वो
अपनी सब सारी सारी बात किसके पर डाल देता है, मिडिल लेवल पर, जो मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुका हूं। और फिर मिडिल लेवल उसको रियलाइज करता है और अपने अकॉर्डिंग ही उसको कहां डालता है, सुपरवाइजरी लेवल पर डाल देता है। हम सब चीज पढ़ चुके हैं और यही चीज दिखा रहा कि कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर की। क्या टॉप लेवल की है? क्या यस yes. क्या मिडिल लेवल की है? क्या यस yes. एंड क्या सुपरवाइजरी लेवल की है? क्या करेक्ट, परफेक्ट बेटा, बिल्कुल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है आपका कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। अब ये डेलिब्रेट फंक्शन क्या हुआ? डेलिब्रेट फंक्शन मतलब होता है कि पहले से ही सोच विचार के एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा फंक्शन होता है कि बच्चे यदि हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी में बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने माइंड के अंदर पहले से सोचा हुआ होता है कि हम सब लोगों ने पहले से ही सबसे सबके साथ बना के चलनी है, सबके साथ बोल के चलना है, तभी हमारा काम प्रॉपर वे में हो सकता है। डेलिब्रेट फंक्शन जान पूछ कर किया हुआ एक ऐसा फंक्शन है आपका ये। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। आप समझ सकते हैं किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? तो यहां पर आपको साफ साफ बोला गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका पहले से ही सोचा हुआ एक फंक्शन है। आप देख सकते हैं अभी पिक्चर में एक आदमी जहां पर वो देख रहा है उसका माइंड क्या क्या सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर बना के रखनी है, सबके साथ लेके चलना है, क्या टेक्नोलॉजी लेके चलनी है, कैसे पैसा कमाना है, हर चीज को वो एक पहले से ही मान के चल रहा है। तो डेलिब्रेट फंक्शन है। यहाँ बेटा आप लोगों के नेचर खत्म होता है, आपके फीचर्स खत्म होते हैं कोऑर्डिनेशन के। इज दैट क्लियर? अब आप लोग पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज क्या हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है, क्या इंपोर्टेंस आ रही है? द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग। इच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो देर इज अ मोर नीड to bring together of synchronize the effort of these employees towards common goal. क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहां बताया जा रहा है कि यदि हम लोगों कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है और बढ़ाना है, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग। क्योंकि जहां पर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपकी क्या है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड इन एंड ऑब्जेक्टिव, यहां पर आवश्यकता है उनको अपने अपने गोल की। और आप सोचिए बेटा, यदि उनको अपने गोल की आवश्यकता है तो सब लोग यदि कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं क्योंकि सबका ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, साइज आपका ग्रोथ होने वाला है, बिजनेस आपकी डेफिनेटली ग्रो होने वाली है। सेकेंड इज फंक्शनल डिफरेंटिएशन। The function of an organization are divided into different departments, section or divisions, and each department work in a isolation by giving more importance to its objective. फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है वो आपके बटे हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सेक्शन में, डिवीजन में, और हर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए बच्चे, कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है, अभी जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट डिविजन्स हैं, यदि सभी चीजें आपकी ऐसी ही चल रही हैं तो सब लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटे, वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यदि अलग अलग तरह के आपके डिविजन बटे हुए हैं और सबका आपका ऑब्जेक्ट एक ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है, तो सो देयर इज अ मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो यहां बोल सकते हैं कि यहां पर भी आपकी इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन शो हो रही है। थर्ड इज आपका एंड लास्ट स्पेशलाइजेशन। ये क्या बोल रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की बात अगर हम यहां बात करें तो बोला जा सकता है इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े और आधुनिक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट
एंड एक्सपर्ट फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो आपके स्पेशलाइजेशन है, वो हमेशा अपना डिसीजन राइट डायरेक्शन में देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा। और हम लोग यदि उन एक्सपर्ट लोगों को साथ में लेके चलते हैं, यदि हम उन लोगों को कोऑर्डिनेशन का काम देके चलते हैं, यदि हम उनको कोऑर्डिनेटर का काम देके चलते हैं, तो वो सब लोगों को साथ में जोड़ के चलते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस को काफी ग्रोथ मिलती है। तो ये एक इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यहां भी आपका क्लियर हो रहा है। गॉट इट। आज की क्लास हमारी यहाँ पर फिनिश हो रही है, चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितना आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वो आप जरूर देखिए, जरूर समझिए। जो चीज आपको समझ में ना आए आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसके लिए आपको दोबारा एक वीडियो बना के जरूर सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।